स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर क्लास फोर्थ। आई होप यू विल ऑल फाइन स्टूडेंट्स। कि मुझे उम्मीद है कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने कर ली थी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। बेटा उससे पहले हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की थी फर्स्ट चैप्टर की, उसके बाद हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा सेकेंड चैप्टर, तो ओपन योर बुक्स। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर टू यानी सबक नंबर दो, वर्ल्ड अराउंड अस यानी हमारे इर्द गिर्द की दुनिया। तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यानी इस चैप्टर में जो टॉपिक आ जाएंगे इन्वायरमेंट के बारे में होगा, यानी माहौल के बारे में और माहौल की डिफरेंट टाइप होती हैं उसके बारे में आ जाएगा, फूड चैन के बारे में और हमारे इंसान में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर माहौल का क्या असर अंदाज होता है, और उसके अलावा बेटा मुख्तलिफ एनिमल और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवर होते हैं, हर्बीवर होते हैं यानी कि वो क्या चीज़ें खाते हैं, और अगर जो चीज़ अगर घास वगैरह खाते हैं तो उन जानवरों को क्या कहते हैं, यानी इस लेसन में हम इस बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड अराउंड अस। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 27 से। सबसे पहले ऊपर हमारा जो टॉपिक दिया गया है लिविंग थिंग्स एंड दियर इन्वायरमेंट यानी जानदार चीज़ें और उनका माहौल। इन्वायरमेंट यानी माहौल। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज एवरी थिंग इन द वर्ल्ड अराउंड अस दैट कैन अफेक्ट आवर लाइफ। माहौल की वजाहत है कि हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें जिनका हमारी ज़िंदगी पर असर होता है। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट्स कंटेंट एयर, फूड चेन्स, द वाटर साइकिल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ह्यूमंस। यानी बेटा माहौल में कंटेन होते हैं हवा, फूड चेन्स, वाटर साइकिल, पौधे, जानवर और दूसरे इंसान। इट इंक्लूड्स ऑल द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स यानी इस पर शामिल इनमें शामिल होते तमाम फिज़िकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अ फिज़िकल इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स सच एज द एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, लैंड एंड वाटर। फिज़िकल इन्वायरमेंट में यानी फिज़िकल जो इन्वायरमेंट होता है वो बना होता है एलिमेंट्स का, जैसे कि एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, ज़मीन और पानी वगैरह। द बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स एनिमल्स, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बायोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है उसमें शामिल हो जाते हैं जानवर, पौधे और बैक्टीरिया। बट द फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड कैन नेवर बी सेपरेटेड यानी दोनों बोथ यानी दोनों, अब यहाँ पर दोनों से मुराद है फिज़िकल और बायोलॉजिकल। फिज़िकल और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है जो जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ और इन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब बेटा दोबारा मैं आपको बता दूँ, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारा बना होता है इन्वायरमेंट के मुख्तलिफ फैक्टर होते हैं जिसमें फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल दोनों इन्वायरमेंट आ जाते हैं। अब फिज़िकल इन्वायरमेंट जिसमें शामिल होते हैं जैसे कि एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, लैंड, वाटर वगैरह, और बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में शामिल होते हैं पौधे, जानवर और बैक्टीरिया वगैरह। अब दोनों यानी बायोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों जो इन्वायरमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते। अब बेटा पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट यानी माहौल की किस्में। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, माहौल की कई मुख्तलिफ किस्में हैं। दीज आर वेटलैंड्स, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, माउंटेंस, आर्कटिक, टंड्रा एंड ओशियंस। यानी बेटा ये है हमारे इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं, उसमें आ जाते हैं ये नाम बेटा वेटलैंड्स, डेजर्ट, सहरा वगैरह, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, माउंटेंस, आर्कटिक, टंड्रा एंड ओशियंस यानी समंदर, पहाड़, जंगलात, ये सारे मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की टाइप्स हैं। तो बेटा ये था हमारा इस पेज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 29 पर। क्लासीफाई एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स यानी बेटा अब हम इस पेज पे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे। अब इसमें बताया गया है कि जो है मुख्तलिफ जानवर जो हैं क्या चीज़ खाते हैं उसकी बुनियाद पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है, इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऊपर जो हमारा पहला टॉपिक है कार्निवर्स, अब हम कार्निवर्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि क्या होते हैं और उन्हें कार्निवर क्यों कहा जाता है। दीज आर मीट ईटर्स यानी बेटा ये जो जानवर होते हैं गोश्त खोर होते हैं यानी गोश्त खाने वाले होते हैं। दे गेट एनर्जी
फ्रॉम ईटिंग फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। यानी बेटा ये जानवर जो है दूसरे जानवरों का गोश्त खाकर तवानाई हासिल करते हैं, इसीलिए इन्हें कार्निवर कहा गया है। नेक्स्ट है हर्बीवर्स। अ हर्बीवर इज एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली। हर्बीवर जानवर जो हैं वो सिर्फ पौधे खाते हैं। मैनी हर्बीवर्स हैव स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम्स दैट लेट देम डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस। यानी बेटा हर्बीवर जो जानवर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पौधे खाते हैं, और बहुत से हर्बीवर्स के पास खास किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का निज़ाम होता है जो कि मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को डाइजेस्ट कर लेता है, जिनमें ग्रास भी शामिल है। ओमनिवर्स। ओमनिवर इज़ एन एनिमल दैट फीड्स ऑन बोथ ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ओमनिवर जो जानवर हैं बेटा वो दोनों चीज़ें खाते हैं। अब दोनों से मुराद है कि पौधे और जानवर खाते हैं। पौधे और जानवर खाने वाले जानवरों को ओमनिवर्स कहा जाता है। अब बेटा नीचे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स आर एट द बिगनिंग ऑफ एवरी फूड चेन दैट इन्वॉल्व्स द सन। पौधे जो हैं हर फूड चेन की शुरुआत होती है जिसमें सन इन्वॉल्व होता है। ऑल एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन एंड प्लांट्स आर द वंस हु मेक फूड विद दैट एनर्जी। तमाम तवानाई जो सूरज से आती है, और पौधे एक जो अपना खाना बना के तवानाई हासिल करते हैं। दे यूज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो है फोटोसिंथेसिस का अमल इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आल्सो मेक लॉट्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स टू ईट। पौधे जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं दूसरे जानदारों के खाने के लिए। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक पेज नंबर 29 का। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, अब इसमें हमने पढ़ा है कार्निवर, हर्बीवर, ओमनिवर और प्रोड्यूसर्स। अब बेटा एक बार दोबारा मैं आपको डिटेल में बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कार्निवर्स यानी ये वो जानवर हैं जो बेटा गोश्त खाते हैं, यानी दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, इसीलिए इन्हें कार्निवर कहा गया है। हर्बीवर्स वो जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे खाते हैं, और ओमनिवर्स वो जानवर होते हैं जो पौधे यानी प्लांट्स और जानवर एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इसीलिए उन्हें ओमनिवर कहा जाता है। अब प्रोड्यूसर्स जो है हर फूड चेन की बनाने की बिगनिंग होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है, और तमाम जो है पौधे सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, और ये अपना खाना जो है इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास एक ग्रीन मैटर होता है, क्लोरोफिल होता है, और फिर इसी तरीके से पौधे जो है दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी बनाते हैं दूसरे जानवरों के खाने के लिए। तो ये था बेटा हमारा यहाँ का टॉपिक पेज नंबर 29 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 32 का टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों की ज़रूरतें और खसूसियात। एनिमल्स नीड एनर्जी। जानवरों को तवानाई की ज़रूरत होती है। दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। वो गिज़ा से तवानाई को हासिल करते हैं। एनिमल्स नीड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो वो हवा से लेते हैं। एनिमल्स कैन डाई इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जानवर जो है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में मर सकते हैं। वाटर इज़ वाइटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी जो है तमाम जानवरों के लिए वाइटल है। एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ रिक्वायर वाटर। जानवर और पौधे दोनों को पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे प्रिपेयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। पौधे जो है गिज़ा से तवानाई हासिल करते हैं, और वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खाने को तैयार करते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। पौधे जो है खाने को तैयार करते हैं हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर। एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और पानी लेते हैं ज़मीन से सूरज की मौजूदगी में। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक पेज नंबर 32 का। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 33 पर। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी जानवर और पौधों की बैरूनी खसूसियात। एम्फीबियंस। दीज आर एनिमल्स विच स्पेंड देयर लाइव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। ये बेटा एम्फीबियंस ये वो जानवर हैं जो कि पानी और ज़मीन पर जिंदा रहते हैं।
दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देयर बॉडी टेम्परेचर इज द सेम एज दैट ऑफ वाटर और एयर अराउंड देम, इनका बॉडी टेम्परेचर है वो एक जैसा होता है, यानी पानी या हवा जो इनके इर्द गिर्द होती है। एग्जाम्पल फ्रॉग टॉड, यानी मिसाल में मेंढक और टॉड आ जाता है। दे हैव बैकबोन, इनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। मैमल्स, मैमल्स यानी बेटा दूध पिलाने वाले जानवर। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर और फर, इनकी जो बॉडी है ढकी होती है बालों और परों से। दे हैव अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इनके बाद जो बेटा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। दे हैव अ बैकबोन एंड प्रोड्यूस मिल्क, इनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और ये दूध भी देते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स वर्सेस एलिफेंट्स, मिसाल में इंसान वर्सेस और हाथी वगैरह आ जाते हैं बेटा मैमल्स की एग्जाम्पल में। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानवर। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स, इनकी जो बॉडी होती है स्केल्स से ढकी हुई होती है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल स्नैक टर्टॉइस, दे हैव अ बैकबोन, मिसाल के तौर पर सांप और कछुआ वगैरह, और इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। दे मोस्टली ले हार्ड शेल एग्स ऑन लैंड, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सख्त शेल वाले अंडे देते हैं ज़मीन पर। बर्ड्स परिंदे, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय फीदर्स, इनकी बॉडी जो है इनका जिस्म जो है परों से ढका हुआ होता है। दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल डक स्पैरो यानी बत्तख या चिड़िया वगैरह। दे हैव अ बैकबोन, दे ले एग्स, इनके पास रीढ़ की हड्डी होती है और ये भी अंडे देते हैं। इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, मोस्ट ऑफ दीज आर स्मॉल एयर ब्रीथिंग एनिमल्स, बहुत से और छोटे जानवर होते हैं सांस लेने वाले जो हवा में सांस लेते हैं। दे हैव सिक्स लेग एंड टू एंटीना, इनकी छः टांगे होती हैं और दो एंटीना होते हैं। बेटा ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर दो एंटीना है ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ये कहते हैं, इनको कहते हैं एंटीना। इनके पास दो किस्म के एंटीना होते हैं और छः होती हैं इनकी लेग्स। दे हैव थ्री बॉडी सेक्शन, हेड थोरैक्स एब्डोमिनल, इनके पास तीन जो है सेक्शन होते हैं इनकी बॉडी में जिनके नाम है हेड थोरैक्स और एब्डोमिनल। एग्जाम्पल आर स्पाइडर्स कॉकरोच ईटीसी, मिसाल के तौर पर स्पाइडर और कॉकरोच वगैरह। स्पाइडर्स दे आर आल्सो टर्म्ड एज आर्चनिड्स, ये मकड़ी वगैरह भी होती हैं इनमें शामिल। दे हैव एट लेग्स एंड एट आईज, इनकी आठ जो है टांगे होती हैं और आठ आँखें होती हैं। दे स्पिन वेब्स और ये जाला बनाती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले जानवर। दे मोस्टली हैव गिल्स, इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गलफड़े होते हैं। दे फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स, ये जो है झीलें और दरियाओं में पाए जाते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूड द रूट स्टेम बर्ड एंड लीफ, कुछ किस्म की जो पौधों की खसूसियात हैं उनमें शामिल हैं जड़ें तना शगुफा और पत्ते वगैरह। सम प्लांट्स में आल्सो हैव अ फ्लावर, कुछ पौधों के पास फूल भी हो सकते हैं। मोस्ट प्लांट्स विल शेयर द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत से पौधे जो हैं एक जैसी बुनियाद या एक जैसी खसूसियात भी शेयर करेंगे या कर सकते हैं। तो बेटा एक बार मैं दोबारा आपको ये सारा समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा एम्फीबियंस जो एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड और वाटर यानी दोनों ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके बाद जो मैमल्स दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं, इनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और ये मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर हैं, इनमें स्नेक और टर्टल्स शामिल है और इनके पास भी रीढ़ की हड्डी होती है। और बेटा ये जो अंडे देते हैं उनका जो अंडे का शेल होता है वो ज़्यादा सख्त होता है। बर्ड्स परिंदे जो हैं इनकी बॉडी जो है परों से ढकी हुई होती है, इनके पास भी रीढ़ की हड्डी होती है और ये भी अंडे देते हैं और ये वार्म ब्लडेड होते हैं। और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, ये ज़्यादा से ज़्यादा बेटा छोटे होते हैं, इनकी छः टांगे और दो एंटीना होते हैं।
स्पाइडर्स जो हैं इनके पास 8 टांगे और 8 आंखें होती हैं और ये जाला बनाती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स बेटा पानी में जानवर जो रहने वाले जानवर हैं इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गिल्स होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा झील और दरिया वगैरह यानी पानी वाली जगह पर रहते हैं और इनमें शामिल प्लांट्स भी हो जाते हैं जिनके अंदर रूट स्टेम बड और लीफ वगैरह मौजूद होते हैं। तो बेटा ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, अब हम अपनी किताब को करते हैं बंद। तो बेटा अब आप अपनी डायरी निकालें और डायरी नोट कर लें। सुने बेटा डायरी क्या है आपकी, लर्न द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2 कंप्लीट विथ मीनिंग, यानी बेटा जो सबक नंबर 2 मैंने आपको रीड करवाया है इसे याद करना है मीनिंग के साथ। आई होप कि बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बेटा आप डायरी नोट कर लें, लर्न द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 2 कंप्लीट विथ मीनिंग। अब हम अपनी डायरी को करते हैं बंद। आई होप कि बेटा आज की रीडिंग आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको जितनी भी रीडिंग दी जा रही है, जितना काम आपको दिया जा रहा है, आप उसे घर पे बैठ के समझें, उसे पढ़ें और जो भी डिफ़िकल्टी हो तो आप स्कूल में आकर हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटा अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।